con mi piano con los libros que se llaman Sapo Mirka Tilipo y Chan con que se llama Sapo. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक अपनी स्किन केयर रूटीन और एक प्रोडक्ट रिव्यू जिसका नाम है स्विस इमेज ब्रांड फ्रॉम स्विट्जरलैंड एब्सोल्यूट रेडियंस वाइटनिंग फेशियल है ये जिसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसको लास्ट वन मंथ से यूज़ कर रही हूँ इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ और किस तरीके से मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ तो बिल्कुल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है टोनर है फेस पैक है मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सबसे पहले इसका टोनर है ये है बहुत ही अमेजिंग है आपके स्किन में सारी जो ऑयल है और डर्ट है उसको रिमूव कर देता है। सेकेंड थिंग है इसकी फेस स्क्रब। थर्ड है इसका फेस पैक जो बहुत ही अमेजिंग इसका इफेक्ट है वाइटनिंग इफेक्ट है। एंड लास्ट है इसकी मसाज क्रीम जो डे क्रीम है इसको दिन में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप नॉर्मल यूज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और फेशियल मास्क का फेशियल स्क्रब मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए कॉटन के साथ किसी भी टोनर के साथ जो है इस तरह का टोनर है उसमें आप इस कॉटन को साथ इस फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करिए ताकि आपका जितना भी एक्सेस ऑयल या डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल एंड ड्राई हो गई और आफ्टर फेशियल आप लोग देखेंगे कि इतना इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। इसके वीडियो एडिट करने में एक मिस्टेक ये हुई कि जो मेरा एक्सफोलिएटिंग वाला पार्ट था वो बाद में आ गया है और जो मास्क वाला था वो पहले आ गया। तो ये जो भी आप लोग स्टेप देख रहे हैं ये है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से कलर एक्सफोलिएटर से एक्सफोलिएट करना है उसके बाद आपने मास्क की एप्लीकेशन करनी है। तो वो वीडियो एडिट करते हैं मुझसे एक मिस्टेक हो गई मैं अगर चैनल को बातें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। तो फर्स्ट आपने पहले इस कलर टोनर उसके फेस को रिमूव कर लेना अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आपने सेकेंड इसका एक्सफोलिएटर जो है उससे आपने 5 मिनट तक एक्सफोलिएट कर लिया स्किन को देन आपने फेस वॉश करने के बाद मास्क की एप्लीकेशन करनी है। अब ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये है एक्सफोलिएटिंग वाला एक्सफोलिएटिंग करके उसके बाद मैंने ये स्मॉल मिनी मसाजर है ये भी बहुत ही अमेजिंग है बेबीलिस का है इसको काफ़ी आजकल इन है आप लोग इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं वहाँ पे आसानी से आप लोगों को मिल सकता है। इसके बेनिफिट ये है आपके स्किन के अंदर से जितने भी डस्ट है ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हैं उनको अच्छे से रिमूव कर देता है। ईजिली आपको कोई पेनफुल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती बहुत ही ईजीली ये सारा आप एक सॉफ्ट सा ब्रश है इसके साथ जस्ट आप इसको करें और इसके डीपली आपके जितने भी डस्ट हैं और ऑयल हैं पोर्स के अंदर वो सब अच्छी तरीके से ये क्लीन कर देता है और स्किन आपकी बहुत ही हेल्दी और फ्रेश उसके बाद आप फील करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये था। सेकेंड जो आपने देखा इसको मैंने स्क्रब करें एक्सफोलिएट हाथ से कर देखिए फिंगर्स उसके बाद मैंने इस मशीन से अच्छी तरीके से स्किन को क्लीन कर लिया इसमें देन इसके बाद मैंने फेस वॉश करके मास्क एप्लीकेशन की थी जो आप लोगों ने देखा था। ये अब मास्क वॉश करने के बाद आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन और हेल्दी स्किन हो गई है बिल्कुल सारी जो डस्ट है और ये देख लीजिए मैंने अभी फेस पर कुछ एप्लीकेशन नहीं की और मेरा फेस का ग्लो और क्लीन कितनी ज़्यादा है ये तो बहुत ही अच्छे मेरे रिजल्ट हैं। मैं फॉन्ट रिकमेंड करूँगी इस प्रोडक्ट को स्विस इमेज ज़रूर आप लोग ये यूज़ कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ फेस मसाज। मसाज के स्टेप आप लोग बहुत गौर से देखिए क्योंकि फेशियल मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मसाज के स्टेप्स अगर अच्छे नहीं होंगे आप लोगों को सही फेशियल पॉइंट्स पता नहीं होगा तो आपके फेस पर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। जितने अच्छे आप फेशियल के मसा स्टेप्स करोगे और जितने अच्छे आप फेशियल पॉइंट्स को प्रेस करोगे फेशियल पॉइंट जितने अच्छे आप प्रेस करोगे उससे होगा आपका फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरह से सर्कुलेट करेगा उससे आपके स्किन में ग्लो आएगा आपकी स्किन रिलैक्स होगी फ्रेश होगी और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपके फेशियल के आएंगे और आपकी स्किन पर एक नेचुरल सा ग्लो आएगा और बहुत ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी फॉर एवर। तो आप लोग देखिए अभी मैंने किस तरीके से फेशियल के स्टेप स्टार्ट किए हैं किस तरीके से नोज पे फॉरहेड पे ये सारे मैं सब फेशियल पॉइंट्स को फेस कर रही हूँ इससे आपके फेस पे कर्ट्स जो होते हैं वही बहुत अच्छे बनते हैं डबल चिन
रिमूव होगी, फिर इसके टीथ से कट्स बनेंगे और ये आप बहुत रिलैक्सिंग इसके बाद फील करेंगे अपने स्किन को, आप इसके बाद ग्लो देखिए। क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ नोट किया, कितना भी अच्छा फेशियल करवाने, कितना भी एक्सपेंसिव फेशियल करवाने, जब तक आपके फेशियल के स्टेप अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप फेशियल पॉइंट से डेली प्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप रिलैक्स होंगे तब तक आपके फेस पे फेशियल का रिजल्ट नहीं आता। मैंने एक बहुत ही मामूली सी प्रोडक्ट से भी फेशियल किए हैं जिससे फेशियल रिजल्ट बहुत अच्छे बहुत अमेजिंग आते हैं। क्योंकि अगर आपके फेशियल के स्टेप्स अच्छे होंगे तो आपका फेशियल बहुत ही अच्छा होगा। और ये आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ प्रेस कर रही हूँ, सारे फेशियल पॉइंट्स को मैं कर रही हूँ कान के पीछे, नेक पे, कान के ऊपर। बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं ये स्टेप्स, आप जरूर करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा आपके कितने अच्छे फेशियल के रिजल्ट आएंगे। तो अभी ये मेरा मसाज कंप्लीट हो गया, सारा लिप्स पे, नोज पे, अंडर आई, डार्क सर्कल्स, आइस के ऊपर, पूरे फेस पे आपने अच्छे से मसाज करके आइस को आपने अच्छे तरीके से इन्हेल कर लेना है और बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आएगा। तो देखिए आप लोग के सामने मेरे फेशियल कम्प्लीट हो गए हैं, मेरी स्किन कितनी नेचुरल हेल्दी ग्रोथ हो गई है, बहुत ही रिलैक्स मैं फील कर रही थी, लाइफ स्लीपी। आप लोग भी अच्छे से फेशियल स्टेप देखिए और बताइएगा कैसे लगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट से मेरा अकाउंट और ज़्यादा प्रमोट होगा और लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकेंगे। आप लोग आपको शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।